सो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि यहाँ के सभी स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप बनाकर बैठे हुए थे और वो अपने अपने दोस्तों के साथ में बात भी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लेन मैचिन अकेला बैठा हुआ था, जहाँ पर उसके पास में मॉर्निंग आ जाती है जो कि उसे कुछ फ्रूट्स खाने को देती है। लेकिन लेन मैचिन तो वहाँ पर कुछ अलग ही सोच रहा था। साथ ही इस कॉम्पिटिशन में बाकी के जो लोग थे उन्हें कोई भी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें कोई स्टार बैच मिलेगा भी। मॉर्निंग लेन मैचिन से कहती है कि अगर तुम्हें कोई स्टार बैच ना मिला हो तो मैं तुम्हें अपना स्टार बैच दे सकती हूँ। जैसे कि लेन मैचिन कहता है, इस हिसाब से तो तुम्हारे पास में दो स्टार बैच होने चाहिए। लेकिन वह मॉर्निंग से स्टार बैच को लेने से मना कर देता है। लेन मैचिन सोचता है कि अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो फिर मॉर्निंग तो बैचेस को जल्दी कलेक्ट कर लेगी। इसीलिए वो मॉर्निंग से कहता है कि मैं खुद से ही स्टार बैच को ढूंढ लूंगा और तुमने जो मुझसे पूछ लिया मेरे लिए तो उतना ही काफी है और वैसे भी इस सब की कोई भी जरूरत नहीं थी। तो मॉर्निंग कहती है कि चलो ठीक है। जिसके बाद अब लेन मैचिन अपने उन दोनों ही चिकन को हाथ में ले लेता है और वो कहता है कि क्या इनको कोई मेरे लिए पका कर देगा जिनका टेस्ट बहुत ही ज्यादा गजब का होगा। और लेन मैचिन को वहीं पर छिपी हुई रेड देख रही थी। दूसरे लोग ये सोच रहे थे कि लेन मैचिन ऐसा कैसे कह सकता है, उसे तो अपना ये काम खुद से ही करना चाहिए, कोई आकर चिकन का इतना ज्यादा शो ऑफ कैसे कर सकता है। इसीलिए उनमें से कोई भी लेन मैचिन के पास में नहीं जाता, ना ही वो सोचते हैं कि और कोई लेन मैचिन के पास में जाए इसका चिकन पकाने के लिए। लेकिन रेड सोचती है कि उसे लेन मैचिन के पास में जाना चाहिए, साथ ही उसे उसकी मदद भी करनी चाहिए। और वैसे भी लोग तो इस बारे में सोचते ही है कि मैं लेन मैचिन को लाइक करती हूँ लेकिन मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। साथ ही हमारे कॉलेज में केवल मैं ही थी जिसे उसकी परवाह रहती है, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे लेन मैचिन के पास चली जाती है और वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। वो कहते हैं कि हो सकता है कि ये ज्यादा डिलीशियस ना बने लेकिन मैं खाने लायक तो इसे तुम्हारे लिए पका ही सकती हूँ। तो लेन मैचिन कहता है कि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन तुम्हें इन दोनों ही चिकन को पकाना होगा। तो रेड कहती है कि चलो मैं एक बार ट्राई करके तो देख ही लेती हूँ। और फिर लेन मैचिन अपने दोनों ही चिकन को रेड को दे देता है ताकि वो उन्हें अच्छे से पका सके। मैचिन कहता है कि इन्हें ध्यान से करना जिससे कि तुम्हें भी कोई परेशानी ना हो। रेड कहती है कि नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिसके बाद वो उन दोनों ही चिकन को फायर के पास में ले जाती है जहाँ पर वो थोड़े ही टाइम में उन्हें अच्छे से पका देती है। तो मैचिन दौड़ लगाकर रेड के पास में पहुंच जाता है और उससे कहता है कि खाने में से खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है और मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना बढ़िया चिकन खाने को मिलेगा। रेड कहती है कि बस ये कुछ ही देर में पकने ही वाला है। लेन मैचिन रेड से पूछता है कि आज का तुम्हारा दिन कैसा गया। तो रेड कहती है कि दिन तो मेरा काफी अच्छा गया, मुझे छोटे मोटे खतरों का सामना करना पड़ा लेकिन अब उससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जिस लिटिल मॉन्स्टर को मैं पकड़ने की कोशिश कर रही थी उसके भागने की स्पीड काफी ज्यादा थी इसीलिए मैं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। तो लेन मैचिन कहते हैं कि तुम्हारे भी घुटने में किसी वॉर प्लेन द्वारा हमला किया गया था क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। तो रेड इस बात से हंसने लग जाती है क्योंकि उन दोनों के ही साथ में दिन में समान घटना घटी। लेकिन मॉर्निंग ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ रही थी क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि रेड लेन मैचिन से बातें कर रही है। जिसके बाद वो रेड और लेन मैचिन पके हुए चिकन को आराम से पेट भर के खाते है और उन दोनों को ही वहाँ पर बैठे हुए सभी के सभी स्टूडेंट्स देख रहे थे क्योंकि बाकियों के पास में कुछ भी नहीं था। वो सभी खाली हाथ ही वापस लौट कर आए थे। लेन मैचिन आराम से खाना खाने के बाद में अपने टेंट की तरफ चला जाता है। अगले दिन हम लेन मैचिन को देखते हैं जो कि एक स्टार बैच को उठाने की कोशिश कर रहा था जिसको रखा गया था एक खरगोश की बिल के अंदर। लेन मैचिन अपने हाथ से उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था तभी वो अपने मोबाइल में भी चेक करता है कि क्या वो सही लोकेशन पर आया है जहाँ पर उसकी लोकेशन भी एकदम करेक्ट दिखाती है। इसीलिए वो सोच रहा था कि क्यों ना इस होल को खोद दिया जाए जिससे कि फिर तो उसे स्टार बैच मिल ही जाएगा। लेकिन तभी वो खरगोश निकल कर मैचिन के हाथ में चिपक जाता है और उसको काटने लगता है। तो लेन मैचिन उसको जल्दी से छुड़ा कर दूर फेंक देता है। लेन मैचिन उससे कहता है कि अगर तुमने दोबारा से ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन अब उसे फाइनली स्टार बैच मिल ही चुका था जो कि रैबिट के साथ में बाहर आ गया था। इसीलिए वो अपने दर्द को बुलाकर उस स्टार बैच को हाथ में ले लेता है क्योंकि वो ये सब कुछ उसी के लिए तो कर रहा था। लेकिन फिर भी उसे एक छोटे से जीव ने काफी ज्यादा दर्द दे दिया था। मैचिन सोचता है कि अगर उस रैबिट के पास में स्पॉट बोन होती तब तो वो मेरी उंगली को ही काट कर अलग कर देता। लेन मैचिन इससे काफी ज्यादा डर भी गया था। लेन मैचिन ये सोच रहा था कि काश आज उसे फिर से वही चिकन मिल जाए जिससे कि उसका खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। और इसी के साथ में यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लेन मैचिन के पीछे काफी सारे लिजर्ड्स को देखेंगे। और अगर अभी तक आपने जेड डायनेस्टी के न्यू पार्ट्स को नहीं देखा है तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो लिंक से आप उसको जरूर से देखें क्योंकि उसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा गजब की है।